वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज हम लोगों का एक स्पेशल टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेवरेज। ये टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं लेवरेज का कंसेप्ट क्या है, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि लेवरेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेवरेज क्या है। इट इज़ अ फाइनेंशियल एडवांटेज दैट अ फर्म गेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड इंटरेस्ट क्लियरिंग सिक्योरिटीज और बोथ ए एंड बी। यानी कि लेवरेज एक तरह का फाइनेंशियल एडवांटेज है, एक फायदा है, एक बेनिफिट है जो आपको मिल सकता है अगर आपकी फर्म में फिक्स्ड कॉस्ट होंगे या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि आपका प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, इट इज़ विच इज़ टेक्निकली नॉट इंटरेस्ट, बट हम लोग उसको फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और दो बोथ थर्ड सिचुएशन इज बोथ, दैट इज़ आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है और साथ में आपके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज भी मौजूद हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ड अपॉन द अबव डिस्कशन लेवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स। मतलब इस डिस्कशन के आधार पे लेवरेज को हम लोग तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। व्हाट आर दे? सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, आइए इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इट इज अ लेवरेज व्हिच ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के प्रेजेंस के वजह से जो लेवरेज हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण क्या हो गया? रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट, जैसे कि सैलरीज, ये सब अगर आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में मौजूद होगा तो आपके फर्म को यहाँ पे जो एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इट इज शोन एज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज DOL। तो इसको कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला को डिनोट करेंगे, ये रहा उसका फॉर्मूला, DOL डॉल, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देने से कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। EBIT refers to earnings before interest and taxes. It is also called as operating profit. तो ये हो गया हम लोगों का पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। बोलने का ये मतलब है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से आप बात को बहुत ही क्लियरली आप समझ लो। हम लोगों का जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन सेल्स के साथ साथ इंक्रीज नहीं करता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, वो कांस्टेंट रह जाता है, जिसके वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है सिंस हम लोगों का टोटल कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में आगे नहीं बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन में सेल्स आगे बढ़ता है। तो वी गेट एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन आवर टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर, एंड दैट एडवांटेज इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करने का ये हम लोगों का फॉर्मूला है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। दोस्तों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, तो उसका वो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जो भी आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में जो परसेंटेज चेंज आएगा उससे आप सेल्स में जो परसेंटेज चेंज है उसको डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लेवरेज का, जिसका नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इट इज़ इन शॉर्ट इट इज़ गिवन एज DFL। तो इट इज़ द लेवरेज विच ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज सच एज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए फिक्स्ड इनकम्स लेते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड्स, वो इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इनकम देता है। डिविडेंड और बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड इनकम देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर्स आपको फिक्स्ड इनकम देता है इन द फॉर्म ऑफ
प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हम लोगों के केस में जब फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा DFL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाई EBT। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है EBIT डिवाइडेड बाई PBT। PBT का फुल फॉर्म क्या हो गया? PBT का फुल फॉर्म हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स माइनस होने से जस्ट पहले जो प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज PBT। तो PBT का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया PBT इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, EBIT में से आपको माइनस करना होगा इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे आप देखो DFL का दूसरा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन PBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। यानी कि PBT का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज चेंज को अगर हम लोग परसेंटेज चेंज इन EBIT से डिवाइड दे देते हैं तब भी हम लोगों को फाइनेंशियल लेवरेज पता हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड लेवरेज। तो इसको भी मैं शो कर देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग स्टडी करते हैं कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज इज द लेवरेज विच ऑकर्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। ये दोनों के प्रेजेंस की वजह से ये अराइज यहाँ पे करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज और DCL। तो देखिए किस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का कैलकुलेशन करते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज। देयरफॉर इसका जो फॉर्मूला होता है DCL दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब आप देखो यहाँ पे DCL का दूसरा फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई PBT। PBT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है DCL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन EPS का फॉर्मूला मतलब EPS का मतलब क्या हो गया? EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स पर शेयर। इसको आप कैसे निकालोगे? EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कंबाइंड लेवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बना करके दिखाता हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर। दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज 10,000 रुपीज। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 4,000 यूनिट्स एंड 5,000 यूनिट्स। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम दो अलग अलग केसेस में दिया हुआ है, वन इज 4,000 यूनिट्स एंड अदर वन इज 5,000 यूनिट्स। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा 15 15 दो अलग अलग केसेस, 15 रुपीज़ पर यूनिट, 3 रुपीज़ पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों केसेस में 10 10 दिया हुआ है। 15 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो फिर हम लोगों का आ जाएगा 15 में से 10 गया 5 रुपया कॉम्पिटिशन पर यूनिट दोनों केसेस। तो इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि सेल्स वॉल्यूम है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे 4,000 या 5,000 यूनिट्स, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 5 रुपया तो 4,000 यूनिट्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 4,000 × 5 दैट इज 20,000 रुपीज़। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट पे 5 रुपया तो 5,000 यूनिट पे 5,000 × 5 25,000 रुपीज़ का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ से माइनस होगा 10,000 माइनस करने के बाद 20,000 में से 10,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद EBIT आएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10,000 and 15,000। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिए। इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेरा निकल चुका है 20,000 यहाँ पे हम लोग डालें, EBIT यहाँ पे हम लोग जो भी आया उसको डालें 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 आंसर है 2
और इसके केस में मिल जाएगा 25,000 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल एबिट ईबीआईटी आ गया 15,000 25,000 बाय 15,000 कैंसिलेशन होने के बाद आएगा 5/3 आंसर हो जाएगा 1.67। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।